नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। भारत के बारे में कई बार ये कहा जाता है कि हमारे देश का सिर बादलों में है और उसके पैर कीचड़ में फंसे हुए हैं। ये बात 100% सच है। एक तरफ हम चांद और मंगल तक पहुंच चुके हैं, लगातार सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे महानगरों की इमारतें गिर रही हैं और लोग उनके नीचे दबकर मर रहे हैं। आज मुंबई में 117 साल पुरानी एक इमारत अचानक गिर गई और 22 लोग इसके नीचे दबकर मर गए। जो इमारत आज गिरी उसे खाली करवाने के लिए आज से 6 साल पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उस इमारत में लोग लगातार रह रहे थे, वहां से गए नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर तरह का नोटिस और चेतावनी देने के बावजूद इस कमजोर इमारत में एक प्ले स्कूल और एक मिठाई की दुकान भी चल रही थी। किस्मत अच्छी थी कि आज जब ये इमारत गिरी तो इस स्कूल में बच्चे नहीं थे, वरना यह हादसा और दर्दनाक हो सकता था। भले ही इस प्ले स्कूल में पढ़ने वाले 35 बच्चे आज किस्मत की वजह से बच गए हों, लेकिन इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जान बचने से इस मामले की गंभीरता कम नहीं हो जाती। हमारे देश में मौत हो जाने के बाद ही उसका विश्लेषण किया जाता है, लेकिन हम ये परंपरा आज बदलना चाहते हैं। आज जो सवाल लेकर हम आए हैं वो ये है कि इसमें गलती किसकी है, और इसका सही जवाब यह है कि इसमें हमारे देश के सिस्टम, सरकार और आम लोग सबकी गलती है। जो सिस्टम सिर्फ चेतावनी और नोटिस देकर आराम कुर्सी पर बैठ जाए वो अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं पा सकता, और जो लोग नोटिस और चेतावनी दिए जाने के बाद भी सिस्टम की और सरकार की बात ना सुनते हों वो अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर बात का दायित्व सिर्फ सरकार और सिस्टम पर नहीं थोपा जा सकता। ऐसे लोग एक नागरिक के रूप में बेईमानी कर रहे हैं और इससे पूरा समाज बेईमान बनता है। आज हम इसी बेईमानी का डीएनए टेस्ट करेंगे। इसके लिए हमने मुंबई और दिल्ली में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, और बड़ा सवाल यह होगा कि क्या हमारा समाज, हमारे लोग अब बेईमानी पर उतर आए हैं। डीएनए में आज हमारा स्पेशल अपॉइंटमेंट मध्य प्रदेश के दर्शकों के साथ है। आज हमारे पास मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर आई है जो आज एक विश्लेषण की मांग कर रही है। वहां एक ऐसा स्कूल है जहां 2 महीने से कोई शिक्षक नहीं आया है, और इस वजह से वहां के बच्चे ही सारा प्रशासनिक काम करते हैं, यानी बच्चे ही मिलकर स्कूल भी चला रहे हैं और एक दूसरे को पढ़ाते भी हैं। ये खबर हमारी शिक्षा व्यवस्था को आज आईना दिखा देगी। इसके बाद हम बात करेंगे दाऊद इब्राहिम की। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है, ये बात भारत पिछले कई वर्षों से लगातार कहता आया है, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने हमारी बातों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह स्वीकार कर लिया है कि दाऊद इब्राहिम असल में पाकिस्तान में ही है। लेकिन दाऊद को ढूंढने में हम भारत की मदद क्यों करें, ऐसा मुशर्रफ का कहना है। ये बयान आज आप सबको जरूर सुनना चाहिए, जिससे पाकिस्तान का चरित्र आपके सामने आ जाएगा। और आज देश के हर माता पिता के लिए हमारे पास एक शॉकिंग वीडियो है। अपने बच्चों को स्कूल भेजते हुए आप कभी ये नहीं सोचते कि वहां आपके बच्चों को टॉर्चर किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो सकता है और देश के कई हिस्सों में ऐसा हो भी रहा है। ये वीडियो आपके परिवार के लिए हर तरह का अलार्म है। इस वीडियो की पूरी कहानी आज हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें देखते हैं नॉनस्टॉप न्यूज में। मुंबई के भिंडी बाजार में आज सुबह एक 5 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। इस इमारत के गिरने का असर पास की इमारतों पर भी पड़ा। 2 बार इमारत खाली करने के नोटिस के बावजूद बिल्डिंग में 6 परिवार रह रहे थे। आशंका है कि मलबे में कुछ और लोग दबे हो सकते हैं। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हादसे की जगह पर पहुंचे और जांच का आदेश दिया। मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख मुआवजे का ऐलान किया। इस बिल्डिंग को गिराया जाना चाहिए, इसके लिए नोटिस दी गई थी, इसके रीडेवलपमेंट को भी मान्यता दी गई थी, उसके टेनेंट्स की निश्चिति भी की गई थी, और मई 2016 में इसको अंतिम जो डिमोलिशन है उस डिमोलिशन को भी मान्यता दी गई थी। मलबे से 34 लोगों को बाहर निकाला गया है, हालांकि कई लोग अपने रिश्तेदारों को अब भी तलाश रहे हैं। भाई फोन कराता हूँ, दुकान वाले ने बोला तेरे भाई की बिल्डिंग गिर चुकी है, हम वहाँ पर ढूंढते परेशान। क्या पता चला है कि वो ठीक ठाक है, क्या हुआ? पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक अमरापुरकर का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। डॉक्टर अमरापुरकर मंगलवार को भारी बारिश के बाद मैनहोल में गिर गए थे।
करीब 36 घंटों की तलाश के बाद उनका शव आज वर्ली में मिला। डॉक्टर अमरापुरकर के परिवार ने मौत के लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। आईएमए ने भी बीएमसी से मामले की जांच की मांग की है। बीएमसी मुख्यमंत्री उनको इस चीज को पर्सनल लेवल पे देखना चाहिए कि इतना बड़ा बजट है बीएमसी का, इतना पैसा है, पब्लिक का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, और उसके बावजूद भी आज भी मुंबई की सड़कें इतनी खराब है। केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जगह उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। यह जो जिम्मेवारी मिली है, यह जो चुनौती है, उसको बहुत शानदार तरीके से हम लोग उस चुनौती को पार पाएंगे और जनहित के मुद्दों पर सरकार और संगठन दोनों बेहतर रिजल्ट देंगे, यह मेरी जिम्मेवारी है। महेंद्र नाथ पांडे को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो पार्टी को प्रदेश में नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। मैं डॉक्टर महेंद्र नाथ जी को बधाई देता हूं और पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। महेंद्र नाथ पांडे यूपी के चंदौली से सांसद हैं। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने खुद को मंत्री पद से अलग करने की गुजारिश की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर आज पहली रणनीतिक बैठक की। दिल्ली में अमित शाह के घर हुई इस बैठक में गुजरात के चुनाव प्रभारी अरुण जेटली और चारों सह प्रभारी शामिल हुए। कलराज मिश्र और संगठन मंत्री रामलाल की मौजूदगी में हुई इस बैठक के बारे में अटकलें ये थी कि ये मोदी कैबिनेट और पार्टी संगठन में होने वाले फेरबदल पर है, लेकिन अमित शाह ने फोटो ट्वीट करके बताया कि मुद्दा गुजरात चुनाव है। गुजरात में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। मोदी के पीएम और अमित शाह के अध्यक्ष बनने के बाद गुजरात विधानसभा का ये पहला चुनाव है। 182 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 150 प्लस सीटों का लक्ष्य रखा है। मोदी के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी ने 2012 में 116 सीटें जीती थी। देश की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी 3 साल के सबसे न्यूनतम स्तर पर आ गई है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 की पहली तिमाही यानी 1 अप्रैल से 30 जून को खत्म हुई तिमाही में ये गिरकर 5.7% पर आ गई है। इससे पहले जनवरी से मार्च की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1% थी और पिछले वित्त वर्ष 2016-17 की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट 7.9% था। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के मुताबिक जीडीपी में बड़ी गिरावट की वजह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 10.7% से गिरकर 1.2% पर आ गई है। इसको नोटबंदी से जोड़ना ना फोर्थ क्वार्टर में वाजिब था ना अभी वाजिब होगा, पर इन्वेंट्री डीअक्यूमुलेशन जो हमने देखा है वो पहली बार हमको इस लेवल का इन्वेंट्री डीअक्यूमुलेशन देखने को मिला है। टीसीए अनंत के मुताबिक जीडीपी में गिरावट को नोटबंदी से जोड़कर देखना गलत है। वही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीडीपी में गिरावट पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को नीतियों और निवेश में सुधार करना होगा। सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। आयकर विभाग ने कहा था कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने तक इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। इससे पहले अंतिम तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया था। सरकार की ओर से ये राहत ऐसे समय में दी गई है जब आधार को जरूरी बनाए जाने के खिलाफ नवम्बर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसरो के IRNSS-1H नेविगेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग असफल रही। सैटेलाइट चौथे चरण में रॉकेट से अलग नहीं हुआ, जिससे सैटेलाइट अंदर ही रह गया। We had a mishap. Heat shield has not separated. As a result of that, the satellite is inside the fourth stage. देश में पहली बार प्राइवेट कंपनियों की मदद से सैटेलाइट बनाया गया था। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सीरीज के 8वीं सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। बिहार के आदित्य सचदेव मर्डर केस में आरोपी रॉकी यादव को कोर्ट ने दोषी माना है। जेडीयू से निष्कासित एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को 6 सितम्बर को सजा सुनाई जाएगी। 7 मई 2016 की रात गया में 12वीं के छात्र आदित्य सचदेव की हत्या हुई थी। रॉकी यादव ने बिजनेसमैन के बेटे आदित्य को कार ओवरटेक करने पर गोली मार दी थी। कोर्ट ने रॉकी के पिता बिंदी यादव को भी इस मामले में अपराधी को बचाने का दोषी पाया है। इसमें ऑल टुगेदर 4 एक्यूज थे, जिसमें रॉकी यादव, राजेश कुमार
टेनी यादव को गिल्टी होल्ड हुआ है 323, 302/34 IPC और 27 आर्म्स एक्ट।